शुरू। दोस्तों अभी इंटरनेट की समस्या के कारण हमारी बातचीत अचानक रुक गई थी, तो अब ये पार्ट टू कहा जाएगा। हम फिर से बात कर रहे हैं आम की। तो ये आम के अंदर पत्ती पे आने वाले फंगस रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू वगैरह, ये सभी हमारा जो ऑल क्लियर वो क्लियर कर देगा। और आम के पेड़ों में पेड़ के मरने का एक समस्या आती है, तो आप इसके लिए ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट करिए और बाकी की सभी समस्याएं जो कीड़ की है वो सब मल्टीप्ले अपना नारायण अस्त्र से कंट्रोल हो जाएंगी। और नारायण अस्त्र ये सभी समस्याओं पे आपको निजात दिलाएगा। उसके बाद में मौसम्बी, संतरा, नींबू, अब इनके अंदर तकरीबन एक जैसी समस्या आती है, जैसे पत्तों पे फंगस, पेड़ों का असमय मरना, स्केल इंसेक्ट, मिलीबग और मावा है, कहीं कहीं माइट भी आता है, लीफ माइनर भी आ जाता है, सफेद मक्खी है, तो कैंकर भी आता है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इन तीनों बदलों के लिए बहुत जरूरी है ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट करना। ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट से आपकी बहुत सारी समस्याएं जैसे पौधों का मरना वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद में फिर फंगस का प्रॉब्लम जो है उसके लिए हमारा ऑल क्लियर है, वो उन सभी समस्याओं को देख लेगा। ऑल क्लियर बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसके साथ भी ये समझ लीजिए आपकी अंगूर जैसी सबसे महंगी फसल, जिसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इसमें इतना परेशान हो जाते थे हमारे किसान भाई। डाउनी मिल्ड्यू आने के बाद कई बार किसान भाई उस खेती को छोड़ दिया करते थे कि अब इसमें मुझे और खर्च नहीं करना है, परंतु ऑल क्लियर जब से आया है सभी समस्याओं का अंत हो गया। अब हमारे अंगूर के किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का इसका डाउनी मिल्ड्यू का डर नहीं रहा। तो ऑल क्लियर से आपके बहुत सारी समस्या हल होती हैं। और जितने भी सकिंग पेस्ट और कटिंग पेस्ट है मौसम्बी, संतरा, नींबू में, ये सब मतलब सभी प्रकार की इल्लियां और रस चूसने वाले कीटक, इनका पूरा कंट्रोल आपको नारायण अस्त्र से मिल जाएगा, इतने कम खर्च में कि जिसे आप कहेंगे कि खर्चा ही नहीं हुआ है। उसके बाद फसल आती है अमरूद, मतलब जिसे पेरू कहते हैं मराठी में और हिंदी में जाम भी कहा जाता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही समस्या आती है इल्ली की, और इस समस्या के लिए आपको जब उसके ऊपर छिड़काव वगैरह मतलब जब आप फूल अवस्था रहेगी तो उस टाइम में आपको छिड़काव करना पड़ेगा, खासतौर पे जब आप बाहर लेते हैं और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उस समय आप नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करेंगे तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी। और लास्ट में फसल दी है हमने चीकू, इसके अंदर पत्ती मोड़ है, लिप माइनर है, फूड फ्लाई, मिलीबग, तो इनमें से कुछ समस्या आती है कुछ नहीं आती है, कहीं कहीं पे कोई समस्या देखने को मिलती है। अभी चीकू जैसे झाड़ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परंतु फ्रूट फ्लाई का प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पे देखा गया था कुछ जगह। तो इन सब समस्याओं के ऊपर आपका जो नारायण अस्त्र है वो पूरी तरह से काम करेगा। तो नारायण अस्त्र अभी हमने देखा कि कुछ 16 फसलों पे हमने इस्तेमाल के लिए बताया है, परंतु ये और भी फसलों पे काम करेगा। पर क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिस जिस फसल के ऊपर उसका रिजल्ट देखा गया है उन फसलों पर ही सजेस्ट किया जाता है। तो अभी बरसात शुरू हो गई है और जो बची हुई फसलें हैं उनके ऊपर भी हम रिजल्ट देखेंगे, और जैसे जैसे रिजल्ट आएगा इसका फसलों का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, अभी मुझे जब मैंने ये बताया 16 फसलों का नाम, तो कल कुछ एक दो लोगों के फोन आए, उन्होंने मुझे बताया उनके अलग अलग फसलों के बारे में कि हमने इस पे इस्तेमाल किया, मतलब हमने जनवरी महीने में बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट भेजा था ट्रायल के लिए, तो उस टाइम में अलग अलग फसलों पे इसकी ट्रायल हुई थी। तो मार्केट से रिजल्ट अलग अलग फसलों पे आ रहे हैं जिनको हमने यहाँ पे नहीं लिया इन 16 फसलों में, और
उस रिजल्ट पे भी नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी इस पे ट्रायल करेगी। ट्रायल एक बार के दवा के इस्तेमाल पे नहीं होता है फाइनल। इंटरनेट की थोड़ी समस्या आ रही है तो मैं चाहता हूं कि अभी हमारी बातचीत भी कुछ फसलों से संबंधित पूरी हो गई है और लॉन्चिंग कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है, तो अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।